हाँ जी, मैं विश्वेंद्र पन्नू, गांव का नाम मेरा 38 है और कर्णपुर तहसील श्री गंगानगर राजस्थान से। और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ और HS ऑर्गेनिक फूड के नाम से मेरा रजिस्टर्ड है। और ये हमने ऑर्गेनिक कॉटन लगाया हुआ है हमारा, ये लगभग 1 एकड़ के आसपास है। नॉन BT कॉटन है और ऑर्गेनिक है। और अभी तक हमने इसमें कुछ सकिंग पेस्ट के लिए या कुछ कैटरपिलर के लिए अभी तक हमने इसमें कुछ भी स्प्रे नहीं किया है। वैसे मेनली हम इसमें फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, जैसे अलग अलग स्पीसीज के लिए, जैसे हेलिकोर पार्मीगेरा या अपने पेक्टिनोफोरा गैसी गोसिपीलिया के लिए, जो उसमें आगे आके पिंक बॉल वॉर्म या गुलाबी सूंडी टाइप कुछ भी, या अपने बीट आर्मी वॉर्म, उनके सभी के अलग अलग फेरोमोन ट्रैप लगा रहे थे। इस साल हमने ये लगाया है लाइट ट्रैप। और इसमें अभी तो कुछ ऐसा है नहीं है कि कुछ मौत कुछ आई हो, लेकिन जब खेत में आएगी तो इसमें कैप्चर होगी। अभी इसमें जो आ रहा है वाइट ग्रैब का आ रहा है। वाइट ग्रैब का जो बीटल होता है वो हमारा बहुत नुकसान करता है। जड़ों में जो अपने ये अंडे देते हैं उसके लार्वा रहते हैं, पौधा बिल्कुल जैसे सूखने टाइप आ जाता है। और ये किन्नू और शुगर कैन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। और ये अभी हमने रात को ही लगाया है इसे, और ये पूरा भरा हुआ है उनसे। ये देखिए, ये सारे वाइट ग्रैब के हैं। वाइट ग्रैब जो है बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए, क्योंकि इसका केमिकली भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है और बहुत महंगा रहता है। और बायोलॉजिकली वैसे इसका अच्छा कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वो 6-5-3-4 महीने बाद इसे रिपीट करते रहना पड़ता है, जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना वगैरह जो भी आप डालते हैं अपने खेतों में। तो लेकिन ये इसमें अभी कैप्चर हो रहे हैं सारे, अपने खेत में कुछ भी नहीं बचता। ये 1.5 एकड़ में हमने एक ट्रैप लगाया हुआ है। अभी क्या करते हैं, जैसे फेरोमोन ट्रैप उनका भी अच्छा कंट्रोल रहता है, लेकिन उनका क्या है, जैसे अब इसमें 5-6 तरह के सूंडियाँ आती हैं, वो सभी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। और अगर अपने फेरोमोन ट्रैप लगा रहे हैं तो अपने को सभी स्पीसीज के अलग अलग लगाने पड़ते हैं। जैसे हेलिकोर पार्मीगेरा का अलग लगा दो, PG का अलग लगा दो, बीट आर्मी वॉर्म का अलग लगा दो, उनकी प्रॉपर डिस्टेंस रखो। और दूसरा ये रहता है कि उसमें सिर्फ मेल अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ मेल ही रहते हैं। फीमेल जो बच जाती हैं वो जैसे दूसरे के खेत में आई, मेटिंग की, उन्होंने एग से लोडेड होके आई, अपने खेत में आके एग दे दिए, वो समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, लेकिन समस्या थोड़ी बहुत रह जाती है। वो इसमें क्या है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों फंसते हैं इसमें, मतलब उनका मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है। बाकी सकिंग पेस्ट जैसे वाइट फ्लाई वगैरह। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जैसे इसमें इसको डिटेक्ट करने के लिए, अगर आप हम पहचान रखते हैं कि इसमें ये, अगर अपने जैसे गूगल वगैरह पे सर्च करके अगर अपने देखें उनकी पिक्चर कि HA का कौन सी तितली है और PG पेक्टिनोफोरा गोसिपीलिया उसकी कौन सी तितली है, बीट आर्मी वॉर्म उसकी कौन सी तितली है, तो अपने सुबह आके अगर इसमें देखें तो अपने को पता लगेगा कि हाँ ये आ रही हैं। तो उस हिसाब से अगर अपने केमिकली भी कर रहे हैं तो उसका जैसे आ जाई अपने मौत इसमें आ जाई तो वो 10 दिन बाद उसका रहता अंडे देने का, 10 दिन बाद अंडे देगी, तो अपने श्योर रहते हैं कि हाँ अपने को पड़ोसी को देख के स्प्रे नहीं करनी पड़ती कि हाँ वो कर रहा है अपने भी कर दें। तो इसमें वो फिर टाइम पीरियड होता है, जैसे इसमें आई आज आपने देखी कि आप डायरी में अपने नोट कीजिए और 10 दिन बाद आपको टाइम रहता है, 10 दिन बाद आप फिर उसमें स्प्रे करिए, हल्की स्प्रे करिए और अंडे से निकलते ही लार्वा उसका ख़त्म हो जाएगा। ये इसका दूसरा बेनिफिट है। और बाकी शुगर कैन में आप लगाइए, शुगर कैन में जैसे अर्ली बोरर और अर्ली शूट, अर्ली इंटरनोड बोरर और शूट बोरर रहते हैं, उनमें भी ये बहुत बढ़िया कंट्रोल करता है। और वाइट ग्रैब का जो गन्ने में सबसे बड़ी समस्या है उसमें वाइट, ये इसमें हमने गन्ने में भी लगाया था, अब इसमें हमने फाड़ के इसे यहाँ पे कॉटन में लगाया। अब इसे देखते रहेंगे और उम्मीद है जैसे अगर मौत वगैरह आएगी तो हमें इसमें मौत सूंडी वगैरह के लिए कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी।